जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहने वाला जो चीज़ है जिसे सेंगोल कहा जाता है, आखिर ये चीज़ क्या है और इतने चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, और ये सेंगोल को हमारे नए संसद भवन में 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्थापित किया गया है लोकसभा स्पीकर के बगल में। तो चलिए इन सारे बातों को संक्षिप्त में एक बार जानने का प्रयास करते हैं। हो सकता है चर्चा का विषय हो तो एग्ज़ाम में आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया और इस संसद के अंदर लोकसभा स्पीकर के बगल में सेंगोल को स्थापित किया गया। तो एक बार ये आपको याद रखना है। देखिए ये सेंगोल है, इसके शीर्ष पर क्या है, तो नंदी महाराज है। तो इससे भी सवाल पूछ लेंगे कि सेंगोल के शीर्ष पर किसका चित्र बना हुआ है, तो नंदी महाराज का। और देखिए यहाँ पर गौर से अपना तिरंगा का भी नकाशी किया हुआ है इस तरह से। और ये आपको छोटा दिख रहा होगा, अभी हम आपको दूसरे फिगर में दिखाएंगे। ये 5 फीट लंबा है, ये देखिए ये 5 फीट लंबा इस प्रकार का। क्या है सेंगोल? तो ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड यानी सेंगोल चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। यानी जब कोई राजा अपना सत्ता या फिर अपना जो कार्यभार है अपने उत्तराधिकार को सौंपता था, तो स्थानांतरण के समय ये सेंगोल अपने जो अपने हाथों से उन्हें दिया जाता था और उसे राज का यानी उस साम्राज्य का नया राजा घोषित किया जाता था। सेंगोल भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक विरासत और विविधता का प्रतीक है। इसकी लंबाई 5 फीट, इसमें भारत का तिरंगा भी नक्काशी किया गया है, तो इसे याद रखना है। फिर सेंगोल की ऐतिहासिक प्रासंगिकता के बारे में जान लेते हैं। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, इसका अर्थ है नीति प्रायणता। इसका निर्माण स्वर्ण या चांदी से किया जाता था तथा इसे कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। लगभग 800 ग्राम सोना इसमें प्रयोग किया गया, कितने, तो लगभग 800 ग्राम। सेंगोल जो कि राजसत्ता का प्रतीक था, चोलों में उत्तराधिकार और वैधता के निशान के रूप में एक राजा दूसरे राजा को सेंगोल राजदंड सौंपने की परंपरा थी। तो किस साम्राज्य में, तो चोल साम्राज्य में, हमारे दक्षिण भारत में जो थे साम्राज्य उसी में ऐसा परंपरा था चोल साम्राज्य में। समारोह आमतौर पर एक पुजारी या एक गुरु द्वारा किया जाता था, यानी कि जो सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा की को देने की जो परंपरा थी, इसका समारोह आमतौर पर पुजारी या गुरुओं द्वारा किया जाता था। भारत की आज़ादी के हिस्से के रूप में सेंगोल, यानी भारत की आज़ादी से इसका क्या संबंध है? तो वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नेहरू ने तब सी राजगोपालाचारी से परामर्श किया, उन्हें आमतौर पर राजा जी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी राजगोपालाचारी को जो राजा जी नाम के उपनाम से जाना जाता था, राजा जी ने सुझाव दिया, यानी कि राजगोपालाचार्य जी ने सुझाव दिया कि सेंगोल राजदंड सौंपने के चोल मॉडल को भारत की स्वतंत्रता के लिए एक उपयुक्त समारोह के रूप में अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ
विविधता में एकता को भी दर्शाएगा। 14 अगस्त 1947 को थिरुबदुथुराई अधीनम यानी 500 वर्ष पुराना शैव मठ के द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू को सेंगोल राजदंड भेंट किया गया था। तो ये नाम आपको याद रखना, काफ़ी कठिन नाम लग रहा है, थिरुबदुथुराई, ठीक है। तो इस नाम को याद रखना, कितने वर्ष पुराना मठ शैव मठ था, तो 500 वर्ष। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी को न्याय के दर्शक के रूप में अपनी अदम्य दृष्टि के साथ शीर्ष पर हाथ से नक्काशी की गई है। वर्ष 1947 में सेंगोल राजदंड प्राप्त करने के बाद नेहरू ने इसे कुछ समय के लिए दिल्ली में अपने आवास पर रखा। इसके बाद उन्होंने अपने पैतृक घर आनंद भवन संग्रहालय इलाहाबाद यानी अब जो है प्रयागराज को दान करने का निर्णय लिया। और सेंगोल राजदंड 7 दशकों से अधिक समय तक आनंद भवन संग्रहालय में रहा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि जो नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया गया, इससे पहले वो कहाँ रखा हुआ था? तो आनंद भवन संग्रहालय जो कि इलाहाबाद में, ठीक है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य रायसीना हिल नई दिल्ली के निकट स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र सेंट्रल विस्टा का पुनर्उद्धार करना है। यह क्षेत्र मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सर एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा बनाए रखा गया। 1921 में पहली बार एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा इसे डिजाइन किया गया था, हमारे संसद भवन को। और वर्तमान में जो नया संसद भवन है, इसका जो वास्तुकार है, इसका नाम आपको याद रखना, इसके वास्तुकार हैं श्री विमल पटेल। तो इस तरह हमने शॉर्ट में जाना कि सेंगोल जो काफ़ी चर्चा में है ये क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम इससे याद रख सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, तो 5 फीट। किस राजवंश से संबंधित है, तो चोल साम्राज्य से। कहाँ रखा हुआ था संसद भवन से पहले, तो आनंद संग्रहालय जो कि इलाहाबाद में है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, नरेंद्र मोदी द्वारा। किस प्रोजेक्ट के तहत, विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और कहाँ पर स्थापित किया गया, तो लोकसभा स्पीकर के बगल में, लोकसभा स्पीकर के प्लग में। और शीर्ष पर कौन सा जानवर या फिर किसका प्रतीक रखा गया, तो नंदी महाराज का। और आप इस तरह से, और सोने और चांदी का बनाया गया है और लगभग 800 ग्राम सोना का यूज किया गया है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और सेंगोल का शाब्दिक अर्थ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, सेंगोल का तमिल शब्द में सेमई से लिया गया, इसका अर्थ है नीति प्रायणता। तो ये भी याद रखना, इस तरह से मुख्य मुख्य बातों को याद रखना है। तो चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।